भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एफर्ट्स फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी यूरोपियन यूनियन एम्बेसेडर डी फ्रांस और इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन सहित सहयोग से 12 शहरों में फोटोग्राफी स्पर्धा आयोजन करायु जे अंगे स्पर्धकों विस्तृत माहिती सूरत में अपाई थी। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एफर्ट्स फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी यूरोपियन यूनियन एम्बेसेडर डी फ्रांस एंड इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन तेमज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन एफर्ट्स द्वारा CITIIS ना सहयोग थी भारत ना 12 शहरों में फोटोग्राफी स्पर्धा नु आयोजन करायु छे। स्पर्धा अंगे स्पर्धकों ने विस्तृत माहिती आपवा अलथाण भट्टार कम्युनिटी हॉल खाते इन्फोमीट नु आयोजन कर्यु हतु, जेमां शहर ना फोटोग्राफर्स मोटी संख्या में सामेल थया हता। आ स्पर्धा ना विषयों में सस्टेनेबल मोबिलिटी, पब्लिक ओपन स्पेस, ई गवर्नंस एंड ICT, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन इन लॉ, इनकम सेटलमेंट छे। सूरत में पब्लिक ओपन स्पेस विषय ने अनुलक्षी ने सूरत ना वाइल्ड वेली बायो डायवर्सिटी पार्क की पसंदगी कराई छे। स्पर्धा में भाग लेता फोटोग्राफर के अन्य नागरिकों ए पार्क की इनोवेटिव फोटोग्राफी उपरांत उपर सूचवेला विषय पर शहर की फोटोग्राफी करवानी रहेशे। प्रथम त्रण विजेता ने अनुक्रमे 50,000, 25,000 और 10,000 रूपया रोकड़ इनाम पण आपवामां आवशे। ए साथे ज तस्वीरों में स्पर्धा विजेता थशे तेनुं दिल्ली खाते एक विशाल प्रदर्शन पण योजाशे। सूरत में फोटोग्राफी स्पर्धा ने लईने योजायेला कार्यक्रम में सूरत मनपा डेप्यूटी मेयर देनिश जोधाणी, स्थायी समिति अध्यक्ष परेश पटेल सहित हाजर रहा था। उमेश संगाणी, द प्रोजेक्ट इन्चार्ज ऑफ बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट, सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। આજે નેશનલ લેવલ પર યોજાઈ ગયેલ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશન કે જે સિટીઝ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત NIUA દ્વારા મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ અને અર્બન અફેર્સ જેમણે કોલોબરેશન કરેલું છે ફ્રાન્સ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી અને યુરોપિયન યુનિયન સાથે, સિટીઝ પ્રોગ્રામ જે પર્ટિક્યુલરલી રન કરે છે તે અંતર્ગત તેઓ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ નેશનલ લેવલની એટલે કે 12 શહેરોના, દેશના 12 શહેરોમાં યોજાઈ રહેલી ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશન માટે આજે એક ઇન્ફોમીટનું આયોજન સુરત સ્માર્ટ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું, જે ઇવેન્ટની અંદર મેક્સિમમ આપણે પાર્ટિસિપેશન અને લગતા ક્વેશ્ચન્સ કે જેમને કોઈને ક્વેરીઝ હોય એ બાબતે 1-to-1 ડિસ્કશન થઈ શકે તે બાબતે આ ઇન્ફોમીટનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। મેક્સિમમ આજે જે પાર્ટિસિપેશન આપણું અહીંયા દેખાય છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો અરાઉન્ડ 101 જેવા ફોટોગ્રાફર્સ સુરત સિટીમાંથી ઉપલબ્ધ છે અને ઇન્ફોમીટની અંદર હાજર રહેલ છે।